अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर कई सालों से शूरा वाले हर तीन महीने पर इंडिया लेवल का जोड़ करते थे और इसके मध्य मुकाबिल मरकज निज़ामुद्दीन वाले तीन महीने पर आलमी जोड़ करते थे। शूरा वाले इंडिया के एतबार से जोड़ करते थे और मरकज़ वाले आलमी एतबार से जोड़ करते थे। शूरा वाले अपने मरकज़ में तो जोड़ उनका तीन महीने वाला चल रहा है, अभी सितंबर में भी उनका तीन महीने वाला जोड़ है। जो आलमी जोड़ करते थे मरकज़ निज़ामुद्दीन वाला, तो वो जोड़ हो रहा है या बंद हो गया है, किसी को सही मालूम हो तो वजाहत फरमा दे, मेहरबानी होगी। फ़कत वस्सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मेरे ख्याल रात में बिजी ज़्यादा थे आप। जी जी हाँ फरमाइए, हम उनका सुबह देख लें, हाल चाल पूछ लें। जी जी हाँ, तो आपने कारगुजारी पूछी तो मैंने डाल दिया था। कारगुजारी नहीं पूछा था हमने, हमने वीडियो में था एक, हमने ये पूछा था जी कि हर तीन महीने में जी आलमी मशवरा होता था मरकज़ निज़ामुद्दीन में जी, और फैज़ इलाही में इंडिया लेवल का मशवरा होता था हिंदुस्तान का मशवरा। जी जी, तो फैज इलाही का तो मशवरा चल रहा है तीन तीन महीने वाला, आपकी 7-8-9 सितंबर को है जी जी। तो लेकिन जो मरकज़ निज़ामुद्दीन का मशवरा वो आलमी मशवरा चलता था, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा चल रहा है साहब, चल रहा है। वो कहाँ पे चल रहा है? चल रहा है ये तो मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन चल रहा है। नहीं नहीं ये तो, अरे भाई जब चल रहा है तो इसी जमीन ही पे चल रहा है कि आसमान पे चल रहा है? जी चल रहा है मशवरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ चल रहा है? मैं आपको क्लिप नहीं बता सकता आपको। नहीं नहीं क्लिप की नहीं बात है, हमने आपसे बताया कि फैज इलाही में 8-9 सितंबर को इंडिया लेवल का मशवरा है। अगस्त का 2-3-4 का मशवरा हुआ ना पूरा। कहाँ पे हुआ है? हो गया वही हो गया। अरे कहाँ पे हो गया ये बताओ। दिल्ली में हो गया। दिल्ली में कहाँ पे हुआ? नहीं आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड की बात नहीं है, आप भी बताइए जगह कहाँ पे हुआ। रिकॉर्ड तो हम कहीं करके कमरे में बैठ के डाल दें, ये तो अलग चीज है। मशवरा हो गया तो वही तो मशवरा जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? नहीं मैं बताऊंगा, ये आपको नहीं बताऊंगा। मशवरा हो गया। अरे मशवरा तो हो गया आप कह रहे हो, लेकिन हुआ कहाँ पे? इसलिए मैंने आपको पूरी कारगुजारी तो वो कारगुजारी नहीं अल्ताफ भाई, कारगुजारी नहीं, वो कारगुजारी की बात मैं नहीं करता। कारगुजारी तो कोई आदमी कमरे में बैठ के कर सकता। कार मशवरा हुआ तो किस जगह हुआ? हाँ डिटेल बोलिए, इसलिए कि तो कितने बजे मैं फोन करूँ आपको? मैं करता हूँ कितने बजे करो बोलो। अरे जितने बजे आपको, तो अभी कर लो या जितने बजे चाहो, ऐसा करो। एक बजे करता हूँ बरोबर। नहीं एक बजे नहीं, या तो फिर एक बजे हमारे यहाँ नमाज है, 12 बजे कर लो। 12 बजे करता हूँ इंशाल्लाह। और इसकी पूरी तहकीक कर लीजिए इस दौरान। नहीं नहीं मैं मशवरे में था, मैं बाबू बोलता हूँ इंशाल्लाह। मैं एक बजे बोलता हूँ। हाँ ये जो मंदा मशवरे में था उससे बात कर लीजिए, मशवरा कहाँ से कहाँ पे हुआ। देखो हमारा काम है सच को बताना, झूठ को नहीं बताना, इस तबलीग है। बिल्कुल सही बात, अल्लाह गौर को बोलता हूँ सच बोलूंगा इंशाल्लाह। सच बोलना है तो जो सहा और मछली के रक्षा इतना है कि मशवरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इतना है कि हर सुबह से 3 साथी बुला देते हैं। वो ठीक है, 3 साथी आवे, 2 साथी आवे, 5 साथी आवे, अलग चीज है। लेकिन जो मशवरा हो रहा तो कहाँ पे हो रहा है आज बताओ आपको इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, 10 बजे मैं 12 बजे फोन करता हूँ आपको। अच्छा ये दो चीज अलग अलग नहीं है, कि आलमी मशवरा अलग है और मरकज अलग है, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं, कयामत तक मुमकिन नहीं कि एक आलमी मशवरा हो और एक आलमी मरकज अलग हो, ये नहीं होगा, क्योंकि ये मरकज है और ता कयामत मरकज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साद कांधलवी साहब कहते थे कि आलमी मशवरा अलग हो और आलमी मरकज अलग हो, ये हो नहीं सकता है। जो आलमी मरकज में मशवरा होगा वही मशवरा माना जाएगा, जो आलमी मरकज से मशवरा अलग होगा वो नहीं माना जाएगा। अल्लाह ने क़यामत तक तय कर दिया है कि बंगले वाली मस्जिद ये मरकज रहेगी। अब सवाल सादियानियों से है कि इन लोगों का आलमी मशवरा कहाँ होता है?
जो हर 2 या 3 महीने पर इनका आलमी मशवरा होता था, वो मशवरा इनका कहाँ होता है कि निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में होता है या कहीं और होता है? अगर बंगले वाले मस्जिद से हट के कोई मशवरा करेंगे तो वो मशवरा मान्य नहीं होगा बकौल मौलाना साद कांधलवी के। पहला सवाल तो साद जामियों से यह है। दूसरा सवाल यह है कि मौलाना साद कांधलवी साहब कहते थे खाने काबा मस्जिद नबी के बाद सबसे मुकद्दस और मोहतरम जगह निज़ामुद्दीन की है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने काबा मस्जिद नबी बैतुल मुकद्दस, ये 3 जगहें ये 3 मस्जिदें सबसे मोहतरम और मुकद्दस हैं, तो मौलाना साद कांधलवी साहब ने बैतुल मुकद्दस से पहले निज़ामुद्दीन को बताया। ये कहे हुए उनको 4-5 साल हुआ, तो जैसे हर चीज़ में तरक्की होती इसमें भी तरक्की हुई होगी, तो अब निज़ामुद्दीन का मुकाम पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है? ज़रा सादियानी भाइयों से गुजारिश है कि 2 चीज़ों को जवाब दे देंगे कि क़यामत तक आलमी मरकज़ निज़ामुद्दीन रहेगा, निज़ामुद्दीन के अलावा कहीं मशवरा होगा और मशवरा माना नहीं जाएगा, तो सादियानी लोग जो मशवरा कर रहे हैं निज़ामुद्दीन में या कहीं और, और कहीं और अगर करेंगे तो बकौल मौलाना साद कांधलवी को कि वो मशवरा माना नहीं जाएगा और जो अमीर की बात नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। 3 सादियानियों का मशवरा कहाँ होता? फकत वसलाम।